हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। मैंने अभी एक सीरीज़ देखनी शुरू करी क्योंकि इसका अभी 3 ही एपिसोड आए हैं, हार एंड गोबन शेल्टर, और ये आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देखनी शुरू हो जाएगी। क्या इसकी शुरुआत बढ़िया है? क्या ये एक और मिस्ट्री थ्रिलर है जो आपको देखना चाहिए? क्योंकि हार एंड गोबन के जितने भी सीरीज़ होते हैं और जो भी उसकी बुक पढ़ते होंगे, मैंने कोई बुक तो पढ़ी नहीं है, काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं उसके अंदर, तो यू कैन एक्सपेक्ट सम टेढ़ा मेढ़ा बिहेवियर, आगे पीछे होती हुई स्टोरियाँ, इस तरीके का होता ही है इसकी जितने भी सीरीज अभी तक प्रेजेंट हुए हैं। तो यहाँ पर आपको मिकी कहानी दिखेगी, थोड़ा सैडेंड है बेचारा, उसके फादर की अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई है और एक मनोदशा हो जाती है ना बच्चे की कि अगर अपने सामने देख लो डेथ तो वो अपनी आंट के घर मूव करता है। उसके अंकल भी हैं वहाँ पर, एक स्मॉल सा टाउन है, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। वहाँ पर वो कुछ फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करता है और उसके ठीक ठाक फ्रेंड्स 2-4 बन भी जाते हैं स्कूल के अंदर, लेकिन वहाँ पर एक उसकी फ्रेंड एशले जो है वो मिसिंग हो जाती है। अब ये सारे दोस्तों को मिलके ढूंढना है कि ये एशले कहाँ गई, और साथ ही साथ में कुछ ना कुछ सस्पेंसफुल बिहेवियर होना शुरू हो जाता है। लोगों से जब ये कुछ बात करने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं उल्टे जवाब भी मिलते हैं, जहाँ पर इसका सस्पिशन जो है और ज़्यादा स्ट्रांग होता रहता है और इसके पास आंसर कोई मिल रहे नहीं होते। अब देखो, अगर मैं इस सीरीज की बात करूं, जिस तरीके से ये 3 एपिसोड अभी तक हुए हैं, वो कह सकते हैं कि डायरेक्शन ठीक ठाक है, कंबाइंड विद सम सॉलिड स्क्रीन प्ले। जितनी देर के लिए भी आपकी आंखें स्क्रीन के ऊपर होती हैं वो टिकती हैं, ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, बट इट इज नॉट सपोर्टेड बाय गुड म्यूजिक फॉर श्योर। इस तरीके की सीरीज के अंदर आपको बहुत ही सॉलिड सा कोई एक सस्पेंसफुल सा म्यूजिक चाहिए होता है जो आपने पहले नहीं सुना, तो यहां पर आपको सुनी सुनी सी यहां पर काफी ज्यादा चीजें लगती हैं। जो सस्पेंसफुलनेस है, जैसे मैंने बोला कि लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उससे आती है, तो काफी डायलॉग बेस्ड है ये। ऐसा लगता है कि पीपल आर हाइडिंग समथिंग, बट इसकी वजह से जो पेसिंग है पूरी सी मेरे को थोड़ी स्लो होती हुई लगी, थोड़ा टेढ़ा जवाब देते हैं, उसका आंसर भी पूरा प्रॉपर नहीं मिलता, उस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। ऊपर से एक जो सस्पिशन है वो एक ओल्ड लेडी के ऊपर भी है और एक अजीब सा सामने घर भी है, और साथ ही साथ में कुछ लिंकेजेस डेड फादर से भी निकल रहे हैं। और फिर उसके बाद मेरी क्यूरियोसिटी थोड़ी और बढ़ गई, तो मैंने इसका ट्रेलर देखा, क्योंकि पहले मैंने ट्रेलर नहीं देखा था। तो कोई लिंकेज है जो ये जो लड़की एशले है उसके ऊपर एक टैटू है, उसका कुछ बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। अब वो क्या निकलता है आगे, वो देखते हैं इस आगे के एपिसोड्स के अंदर। अभी 5 एपिसोड आने, हर हफ्ते आया करेगा, लेट्स सी कैसे होगा। वैसे एक साथ ही रिलीज करने चाहिए, क्योंकि इस तरीके की जो सीरीज होती है जहां मिस्ट्री आपको एकदम आंसर सही होते हैं, उसके लिए आप इतना वेट कर नहीं सकते हो, क्योंकि इतना सारा कंटेंट भी रिलीज हो रहा है। एक्टर्स ठीक ठाक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत बढ़िया चॉइस है, क्योंकि कई बार कास्टिंग बहुत अप्रोप्रिएट होती है। मुझे लगा कि जो मिकी का कैरेक्टर है और ज्यादा इमोशंस जो है वो इवोक कर सकता था, क्योंकि वो एक ऐसा बच्चा है जिसका फादर का भी लॉस हुआ है, वो नए दोस्त भी बनाने की कोशिश कर रहा है, नई जगह एडजस्ट भी हो रहा है, उसका ऐसा सस्पिशन भी हो रहा है, ही हैज टू एक्ट ब्रेव ऑल्सो, ही हैज टू बी कॉशियस ऑल्सो, ही इज सबड्यूड ऑल्सो, तो बहुत सारी इमोशन चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जो आर्टिस्ट हैं इतनी सारी जो इमोशन है एक साथ नहीं इवोक कर पाए, हालांकि जो उसके साथ जो उसके बच्चे और फ्रेंड्स हैं वो एक अच्छी इमोशन इवोक कर पाते हैं, और अच्छा तरीके से एक नर्डी इंसान है वो भी आपको ठीक ठाक लगता है। तो जैसे मैंने बोला, इट गोज स्लो एट टाइम, जब आप एपिसोड 1, 2 या 3 जो भी आए हैं उसके एंड होने लगता है, तो आपको ऐसे लगने लग जाता है कि शायद कहीं ना कहीं इस तरीके का समय ये बांधने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लिफ हैंगर छोड़ दो, तो थोड़ा स्लो होते होते एंड पार्ट जो है, एंडिंग जो है वो थोड़ी सी तेजी हो जाती है हर एक एपिसोड के अंदर, जिसकी वजह से आपको ऐसे लगता है कि शायद ये थोड़ा ब्लैंड टाइप लग रहा है, इतना ऑर्गेनिक नहीं लगता है। अभी इसको हम कोई स्कोर तो दे नहीं सकते, बट लेट्स सी हाउ इट शेप्स अप। आई विल कीप यू पोस्टेड, जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर उसके बाद एक और रिव्यू इसका कर लेंगे। बाय बाय।